आज के टाइम की अगर हम बात करें एक छोटे से बच्चे की, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की, या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की, या फिर हम ले लें किसी एज्ड पर्सन को, हर एक इंसान ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, बट ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। आप सभी को पता है सिर्फ 1 या 2% लोग होते हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर पाते हैं सक्सेसफुली, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसका रीजन ये है कि उनको एक राइट गाइडेंस नहीं मिलती, उनको एक राइट उनके पास एक पाथ नहीं है जिस पे वो काम कर सके और अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सके। और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, हर एक इंसान यहाँ पे आके बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकता है, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, बट ज्यादातर लोगों के पास कोई पाथ ही नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला कोई है नहीं कि उनको एक सही रोड मैप दे पाए और वो इजीली धीरे धीरे करके अपना बिजनेस बिल्ड कर पाए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है। इस वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप बता के जाने वाला हूं जिनके थ्रू आप एक अपना सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो 2023 में। और यकीन मानना, इन स्टेप्स को फॉलो करके लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो मैं 100% श्योर हूं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, जो मैंने 8 स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो आपको लेने हैं अपने बिजनेस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले जाने में, अगर आप उन पे इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली 2023 में आप भी काफी सारा पैसा कमाने वाले हो। तो वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना चाहते हो, आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, बट आपके पास एक राइट गाइडेंस नहीं है, आपके पास एक ऐसा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आपको कोई सिखाता हो, इस चैनल पे आपको मेक मनी ऑनलाइन या फिर हाउ टू बिल्ड सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस इसके ऊपर सीरीज आने वाली है जिससे आपकी काफी हेल्प होने वाली है। ऐसे ऐसे वेज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपके पास ना कोई स्किल है ना कुछ आपके पास नॉलेज है, बस आप अभी अभी आए हो, सिर्फ आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना है, कुछ आपके पास जीरो नॉलेज है, फिर भी आपकी इतनी ज्यादा हेल्प होगी। डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको वेज बताऊंगा जहां से आप पैसे कमा सकते हो, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो वो सारी वीडियोस देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो 8 स्टेप, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करें, सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास जो एक रिक्वायर्ड चीज है वो है आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए। वो स्किल कोई भी हो सकती है, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, बट आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। मे बी वो हो सकती है वीडियो एडिटिंग की हो सकती है पब्लिक स्पीकिंग की हो सकती है वो गूगल एड्स की हो, आप गूगल एड्स में एक्सपर्ट हो सकता है आप फेसबुक एड में एक्सपर्ट हो, एक्स वाई जेड कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल अगर आपके पास है तो मैं बोल रहा हूं आप धमाल कर सकते हो 2023 में। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, अभी आप बस आए हो, ऐसी तो कोई आपके पास पर्टिकुलर स्किल नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि आप एक पर्टिकुलर नीच चुनो अपनी सबसे पहले जिसमें आपको काम करना है। ठीक है, कोई भी एक स्किल ले लो, उस पर आपको काम करना है। अब सेकंड चीज आपको क्या करनी है, सेकंड चीज आपको करनी है आपको उसके बारे में मास्टरी करनी है। जो स्किल आपने ली है उसके ऊपर आप मास्टरी करो, उसको सीखो, ढंग से सीखो, आप कुछ टाइम दो सीखने के लिए। देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, YouTube पे किसी भी स्किल के बारे में इतना ज्यादा कंटेंट है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप नॉलेज को इकट्ठी करना जानते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो। ठीक है, आप उस स्किल के अंदर मास्टरी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यूट्यूब से नहीं सीख रहा, तो आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में जा सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक अपनी नीच डिसाइड करनी है, आपको एक स्किल के ऊपर काम करना है। सेकंड, उस स्किल के ऊपर मास्टरी करो, उसको अच्छे से सीखो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपने स्किल ले ली, उसको सीख लिया, अब साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, उसके ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, उसके ऊपर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो, कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवाओ। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको करना है, यहाँ पे आके आपको ना अपने कंटेंट पे फोकस करना है, पैसे पे फोकस नहीं करना आपको अभी, अभी करना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको करना है
कि आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। अब ब्रांड बिल्ड कैसे करोगे, आपने एक स्किल सीखी, उसके ऊपर कंटेंट बनाया, लोगों को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया, आपने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अब आप इस कंटेंट को सारे सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे तो वहां से आपका एक ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको करना है पैसे की तरफ जाना है। अब आप यहां से कर सकते हो फ्रीलैंस, आपने जो स्किल सीखी है, पर्टिकुलर स्किल सीखी है, आप उसके ऊपर कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। कंटेंट आप कैसे प्रोवाइड करवा सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, आप उसको सीखो और लोगों को सिखाओ। ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब पर्टिकुलर आपने कोई स्किल सीखी पहले, आप उसके ऊपर रिजल्ट इकट्ठा करोगे और फिर आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करोगे। आप पर्टिकुलर कोई स्किल सीख रहे हो, उसको आप सिखाना स्टार्ट करो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, काफी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे वीडियो कंटेंट लोगों को पसंद आता है। और आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि वीडियो मार्केटिंग कितनी ज्यादा फैल रही है। तो आपको क्या करना है, आप सीख रहे हो, लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। जितना आप सीख रहे हो उतना आप लोगों को सिखाओ, ठीक है। आप बता सकते हो उस वीडियो में मैं सारी चीजें सीख रहा हूँ और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। फिफ्थ स्टेप में आप क्या कर सकते हो, फिफ्थ स्टेप में आप कर सकते हो फ्रीलैंस, ठीक है। फ्रीलैंसिंग कर सकते हो अपनी स्किल्स के ऊपर, जो आपने स्किल सीखी उसके ऊपर आप लोगों को काम कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों से प्रोजेक्ट लेके उनका काम कर सकते हो। अब क्लाइंट्स लेने के बहुत सारे तरीके हैं, फ्रीलैंसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, fiverr.com हो गया, अपवर्क हो गया, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जहां पे आपको आपकी स्किल के अकॉर्डिंग वहां पे काम मिलता है, आपकी नीच के अकॉर्डिंग काम मिलता है, लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप उनको कंप्लीट करके उनको देके पैसा कमा सकते हो। ये तो हो गया पहला तरीका। अब सेकंड तरीके की अगर अपन बात करें तो सेकंड तरीके से आप क्लाइंट खुद से लेके आ सकते हो। कैसे लेके आ सकते हो, आप फेसबुक की हेल्प से लेके आ सकते हो, आप इंस्टाग्राम की हेल्प से लेके आ सकते हो, आप लिंक्डइन की हेल्प से लेके आ सकते हो। काफी प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आप अपने प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप एड वगैरह चला के ले सकते हो। आपने गूगल पे एड चला दी कि मैं इस स्किल में एक्सपर्ट हूं और मैं इतने कम पैसों में आपको मैं प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके देता हूं। आप फेसबुक पे चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे चला सकते हो। आपको अगर फ्रीलांस की पूरी वीडियो चाहिए, अगर आपके पास कोई स्किल है या फिर आप कोई स्किल में काम करना चाहते हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना है। आपको डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक डीप वीडियो दूंगा कि आप कैसे एक पर्टिकुलर स्किल्स को सीख के उसको मतलब फ्रीलांस कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, ठीक है। देखो काफी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है, कब हम हमारी कोई स्किल सीखेंगे, कब हम फ्रीलांस करेंगे, कब हमारा बिजनेस बिल्ड होगा। तो लोगों के अंदर एक मिथ होता है ऑनलाइन बिजनेस से लेके, वो मैं आपको बता दूं, उनको लगता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो हम एक महीने बाद में ही रिच बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन जब आप बिजनेस करने आओगे, यहाँ पे टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ता है, चीजों को सीखनी पड़ती है, फिर जाके आप धीरे 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 कुछ बिल्ड कर पाते हो, फिर जाके आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस रन कर पाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक महीने बाद ही यहां से रिच बनना स्टार्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो आपके माइंड में भी अगर ये मिथ चल रहा है तो उसको निकाल दो, और इन आठों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं 2023 में आपको बिजनेस रन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी 2023 के एंड होते होते एक अच्छी एक डिसेंट अमाउंट हर महीने कमाना स्टार्ट कर दोगे। गाइज अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे आपको मेरी आईडी दिखाई दे रही होगी। आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी पर्टिकुलर आपका डाउट होता है तो आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड गाइज आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आपको जरूर मिलेगी। अब गाइज बात कर लेते हैं सिक्स स्टेप की। सिक्स स्टेप में आपको क्या करना है, आपने फ्रीलेंस कर लिया फिफ्थ स्टेप में, सिक्स स्टेप में आपको करना है आपने जो स्किल सीखी है, लोगों को आपने सिखाया है, आप फ्रीलेंस किया है, अब टाइम आ गया अपनी उस स्किल को मोनेटाइज करने का। जो स्किल आपने सीखी है उसको मोनेटाइज करो, उससे पैसा कमाओ। अब अपनी स्किल को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, आप उस स्किल के अंदर, उस नीच के अंदर अपना एक पर्टिकुलर आप डिजिटल कोई कोचिंग दे सकते हो लोगों को, या फिर आप एक प्री रिकॉर्डेड आप अपना एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर सकते हो जिससे आप लोगों की हेल्प करोगे कि आपको मैं पर्टिकुलर स्किल सिखाऊंगा, ए टू जेड आपको मैं पूरी यहाँ पे नॉलेज दूंगा, इस स्किल के अंदर मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। ऐसा आपने कोर्स बिल्ड कर दिया और वो कोर्स लोग खरीद रहे हैं तो वहां से भी आपके पास एक अर्निंग सोर्स बनेगा जो कि आपका पैसिव इनकम का सोर्स होगा। ध्यान से सुन लो गाइस, सिक्स्थ स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सिक्स्थ स्टेप की हेल्प से आज के टाइम कई काफी लोग हैं जो महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा बट ये सच है, काफी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस
इस स्टेप की वजह से, इस स्टेप को फॉलो करके, तो आपको भी ये करना है, आपको अपनी पर्टिकुलर निश को मोनेटाइज करना है, उससे पैसे कमाने हैं। मोनेटाइज करने के काफी तरीके हैं, आप उनको अपनी डिजिटल कोचिंग दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ वन टू वन सेशन करके आप क्लियर कर सकते हो लोगों को। आप बता सकते हो कि मैं आपको वन टू वन कंसल्टेंसी देता हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, आपको सारी चीजें सिखाता हूँ, बट वहां पे आपको अपनी प्राइस बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो आप अपना एक कोर्स भी डेवलप कर सकते हो कि हाँ मेरे पास इस स्किल के अंदर मास्टरी है और मैं आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मोनेटाइज करोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जो अपनी वीडियोस डालोगे, फ्री का कंटेंट जो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे थे, लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, तो वहां से भी आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी और वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जैसे ही आप इनका क्राइटेरिया पूरा करोगे वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस सेवंथ स्टेप की। सेवंथ स्टेप क्या है गाइस? सेवंथ स्टेप है आपको अब अपनी स्किल के नीच में, आपकी जो नीच है उसके रिगार्डिंग मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करो। आपकी कोई भी नीच है, कोई भी आपके पास स्किल है, अब आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग मार्केट में रिसर्च करो कि लोगों को क्या सर्विस चाहिए और वो सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करवाओ। इससे आपका बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एट्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप है गाइस, वो है अब आपको अपने अपना एक बिजनेस रन कर लिया, सक्सेसफुली आपने स्किल सीख ली, लोगों को सिखा रहे हो आप, ठीक है, आपने फ्रीलैंसिंग से एक्सपीरियंस ले लिया, आपने अपनी स्किल को मोनेटाइज भी कर लिया, आप मार्केट में सर्विस भी प्रोवाइड करवाने लग गए, अब आप बिजनेस रन कर रहे हो, अच्छी तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हो, अब टाइम आ गया है आपके बिजनेस को स्केल करने का, ठीक है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर हम हमारे बिजनेस को स्केल कब करें, कैसे स्केल करें। पहले देखो मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसको आज ही माइंड में डाल लेना, छोटे से शुरुआत करो, उसको सफल बनाओ और उसको बड़ा करो। पहले आपको छोटी से शुरुआत करनी है, एक पर्टिकुलर स्किल से शुरुआत करनी है, उसके ऊपर मास्टरी करनी है, छोटा सा अपना एक बिजनेस रन करना है, उसको आपने सक्सेसफुली रन कर दिया, अब टाइम आता है उसको स्केल करने का, उसको बड़ा करने का। अब स्केल आप कैसे करोगे, उस बिजनेस को आप स्केल कैसे करोगे, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, आप फ्रीलैंसिंग का भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पर्टिकुलर आपके कोर्स भी हैं आपकी स्किल्स के अंदर, या फिर आप लोगों को डिजिटली कोचिंग देते हो या फिर वन टू वन कंसल्टेंसी देते हो। अब आपको करना क्या है, इस बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको यह करना होगा कि आपको अपनी पर्टिकुलर नीश, पर्टिकुलर स्किल जो आपने सीखी है ना, उसी के अंदर अपनी एक टीम बिल्ड करो, अपने कुछ लोगों को आप इनरोल कराओ, उनकी टीम बिल्ड करो और जो आप प्रोजेक्ट ले रहे हो अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे आपका बिजनेस धीरे धीरे स्केल होने लग जाएगा। मे भी हो सकता है पहले टाइम आपकी दो लोगों की टीम बने, तीन लोगों की टीम बने, पांच लोगों की टीम बने, बट आप धीरे धीरे करते करते ऐसा एक सिस्टम बिल्ड कर दो कि आपके पास 100 लोगों की भी टीम हो सकती है, इवन 200 लोगों की भी टीम हो सकती है। देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर इसको किसी ने ध्यान से समझा है तो मेरे को 100% बताया वो इस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। और गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑलवेज एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। अगर आप वीडियो को देख के जा रहे हो, ठीक है, आपने सुनी बस आपके सामने आई, आपने देख ली और आप चले गए, इससे गाइज कुछ भी नहीं होना। आप ऐसे चाहे 1000 वीडियो देख लो, अगर जिस इंसान को कुछ करना है उसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत थी, अब वो अपनी स्किल अपने आप फाइंड कर लेगा, अपने आप चीजों को फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। एंड काफी लोग ऐसे होंगे जो 2023 में अपना नाम कमाएंगे, उभर के आएंगे। तो आई होप गाइज कि आप भी वो बंदे हो सकते हो या बंदी हो सकती हो, अपना एक सक्सेसफुली ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। वीडियो अगर गाइज अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो गाइज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये चैनल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका कोई भी डाउट हो, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे साथ वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी, इन डेप्थ आपको वीडियो मिलेगी। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फॉलो कर लो अगर आपने फॉलो नहीं किया है। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।